नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिया आपके साथ और बड़ा मुद्दा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, दिल्ली चुनावों को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी और इस मैनिफेस्टो में पिछले मुद्दों के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसमें 5 सालों में काम करने की बात खुद आम आदमी पार्टी करेगी। इसके साथ साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आज राजौरी गार्डन में रैली करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वारका में एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार तेज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाकी है चुनाव प्रचार की अगर हम बात करते हैं, आज 4 फरवरी हो चुकी है और 8 तारीख को मतदान होना है। आपका घोषणा पत्र जिसमें कई चीजों को समेटे हुए आम आदमी पार्टी कई वोटों को साधने की कोशिश करेगी। वहीं द्वारका से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधते हैं और किस तरह से जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं वो भी देखना होगा। वहीं राहुल प्रियंका आज जब चुनाव प्रचार करेंगे तो देखेंगे जनसैलाब किस तरह से उमड़ेगा। वहीं दिल्ली कैंट में अमित शाह यानी कि खुद गृह मंत्री उतरेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि वो देशद्रोही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि उनकी आतंकवादियों के साथ में सेटिंग है। कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी संवैधानिक पद पर बैठकर देश के इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना अपशब्द बोले जिसके ऊपर पाकिस्तान के मंत्री का ट्वीट आए कि मोदी को हराना है, ये सब हो क्या रहा है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री केवल विकास के नाम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ता है, क्यों वो बार बार ये बोलते हैं मैं शाहीनबाग के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली के लोगों को विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मस्जिदों के इमाम को सैलरी देते हैं, उनके सहायक को सैलरी देते हैं, मंदिर के पुजारी को नहीं देते, गुरुद्वारे के ग्रंथी को नहीं देते। इसलिए वो सारा दिल्ली के जनता के टैक्स का पैसा वो शाहीनबाग में जा रहा है, वहाँ के लोग उसी पैसे से दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से बिरयानी खा रहे हैं। लगातार बढ़ता जा रहा है हार की बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पहले एक भाजपा के सांसद ने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा, उसके बाद एक मुख्यमंत्री ने हरियाणा के बंदर कहा, उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के योगी जी ने अरविंद केजरीवाल को खांसता है, दम घुटता है, पाकिस्तान से तार जुड़े हैं कहा, आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने फिर अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा। ये क्या हो रहा है? ये देश की राजधानी में हो रहा है, जहां पर संसद है, जहां संसद चल रही है, जहां पूरी सरकार बैठी है, जहां पूरा चुनाव आयोग बैठा है, कैसे किसी केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार की भाषा बोलने की इजाजत दी जा सकती है? और अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं तो मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, गिरफ्तार करके दिखाओ अरविंद केजरीवाल को, जेल में डालो, जेल में डालो अगर आतंकवादी अरविंद केजरीवाल। तो भाषा की सारी मर्यादा समाप्त कर दी आप लोगों ने। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, हर एक पार्टी मजबूती के साथ अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं सुनिए कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी खुद आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली चुनावों को लेकर, सुनिए जरा। केजरीवाल साहब को नशा तब टूटा है जब दिल्ली का मिजाज बदलने लगा है। तुष्टिकरण की राजनीति करते करते केजरीवाल 2015 में आए थे, अन्ना 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 चिल्लाते थे, विकास 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 चिल्लाते थे। आज केजरीवाल चिल्ला रहे हैं जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं, और जिन्ना जिन्ना चिल्लाते चिल्लाते तुष्टिकरण इस हद तक कर दिया कि दिल्ली के मस्जिदों के इमाम को 18,000 रुपया, सहायक को 16,000 रुपया, 9,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए। लेकिन थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ कि इसी दिल्ली में जो मंदिरों के पुजारी हैं उनके ऊपर इनकी इनायत नहीं हुई, इनकी नजरें नहीं खुली, क्योंकि ये पुजारी वोट बैंक नहीं है।
मस्जिद वोट बैंक है, मंदिर वोट बैंक नहीं है। मस्जिद वोट बैंक और मंदिर वोट बैंक, पुजारी वोट बैंक और मौलाना साहब वोट बैंक, ये तमाम चीजें दिल्ली चुनावों में नजर आ रही हैं। और इसी पर खास चर्चा के लिए, यानी कि दिल्ली चुनावों पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपको भी मुखातिब कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, राजय कुमार जी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक भी इस वक्त हमारे साथ आज चर्चा को ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आतंकवादियों का साथी कहा, आपने कहा कि वो आतंकवादी है। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है, और अगर वो आतंकवादी है तो उन्हें जेल में डालिए, क्यों नहीं कर रहे आप ऐसा? देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी भी मौके पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का अपमान करने से नहीं चूकते थे, ये तो जग जाहिर है। मगर इसमें एक बात और ध्यान कराऊं आपको जी। अभी इन्होंने कहा कि 500 का टिकट लेकर के पूर्वांचल और बिहार के लोग आते हैं और दिल्ली आकर के इलाज करा करके चले जाते हैं। ये क्या बिहार के और पूर्वांचल के लोगों का अपमान नहीं है? ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, गृह मंत्री को बोल रहे हैं, राजनीतिक उद्देश्य से बोल रहे हैं, मगर पूरे पूर्वांचल और बिहार के लोगों का यह अपमान ये कैसे सेंड किया जाएगा? इनको क्या हो गया? इनको इलाज कराने की आवश्यकता है उसी हॉस्पिटल में जिन हॉस्पिटलों का ये दावा करते हैं कि बहुत बेहतरीन है। और अभी जिस तरीके से संजय सिंह जी की बात मैं सुन रहा था जी। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, वो खुद भी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचलियों का और बिहार के लोगों का जो इन्होंने अपमान किया प्रधानमंत्री के बारे में कौन जब ये बयान आए थे, बिल्कुल शांत प्रकाश जाटव जी, जब ये बयानबाजी हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से, चौतरफा आम आदमी पार्टी घिरी, आपने भी एक रणनीति उस वक्त अपनाई थी। एक खबर निकलकर सामने आई थी कि मनोज तिवारी चेहरा होंगे, और ये खुद नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए बीजेपी का जो चेहरा होगा, जो उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री पद का, वो मनोज तिवारी होंगे। लेकिन ये फैसला हो नहीं सका, जो एक बड़ा झटका माना जा सकता था इसी बयान को लेकर। देखो, ये तो विधायक दल तय करता है, कौन सी बड़ी चीज है, कभी भी तय कर लेंगे, जब जीत जाएंगे हम पोजीशन में होंगे बना लेंगे। हर एक कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का, हाँ। वो इतनी कुवत रखता है कि वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। अच्छा। और ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मिसाल पैदा की, ये कोई घर में पैदा थोड़ी होता है जिस तरीके से कांग्रेस में पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री चुनावों में आपके प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट हासिल कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास पर वोट हासिल कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए तमाम वो सभी प्रयास कर रहे हैं जो एक सक्षम प्रधानमंत्री को अपने देश के लिए, प्रजा के लिए करने चाहिए। चलिए, शांत प्रकाश जाटव जी, मैं राजय कुमार जी के पास आती हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी अन्ना 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 चिल्लाते हुए आई थी, विकास की बात करती थी, लेकिन राजय कुमार जी सवाल यही है कि बीजेपी कह रही है कि कहां गए अन्ना और कहां गया विकास? जी प्रिया जी, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वैसे कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में दिल्ली के लोगों के, क्योंकि दिल्ली के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को यात्रा, उनके घर का जो बजट जो बचाया है आम आदमी पार्टी ने, वो मुद्दा है। लेकिन प्रिया जी, आपने जैसे सुना इनके नेताओं के बयान कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री को उग्रवादी कहा, उग्रवादियों के साथ खड़ा होने वाला कहा। देखिए, मैं इनकी बात कुमार जी, मोदी ने प्रधानमंत्री को कहा? नहीं, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी को ऐसा बोला, इन्होंने बोला, जो भी बयान पहले आपने दिखाया, मैं इस बात को कंडम करता हूं। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं और पूरी आम आदमी पार्टी उनका सम्मान करती है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, सबके प्रधानमंत्री। राजय कुमार जी, एक बात तो यहाँ पर क्लियर कर देनी चाहिए मुझे दोनों ही पार्टियों की तरफ से, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के ही प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कांग्रेस के होते तो मैं उनको भी जरूर बोलती कि कौन किसका कितना सम्मान करता है, ये दिल्ली की जनता और देश की जनता बहुत साफ साफ देख रही है। ये दर्शाने की टीवी पर जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जी जी जी, रखिए अपनी बात। लेकिन प्रिया जी, है क्या, बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे है उसके आने के बाद
बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। कारण क्या है? इनके बजरंग दल के आरएसएस के बड़े बड़े नेता दीपक मदान जी को ले लें, मनोज राजपूत जी को ले लें, जो इनसे अब अलग हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बौखलाहट इनकी नजर आती है कि इन्होंने क्या किया, अब इसको वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए इन्होंने फिर से हिंदू हिंदू उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इनका आप किसी भी नेता का बयान सुन लीजिए, इनके बयान में अगर पाकिस्तान मुसलमान का शब्द नहीं होगा तो इनका 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 कोई भी नेता सवाल पूरा नहीं कर सकता। केवल इनका मुद्दा होता है पाकिस्तान मुसलमान, पाकिस्तान मुसलमान। ये अभी यहाँ केवल ये साइन बाग करते हैं। अरे साइन बाग, ऐसे साइन बाग तो लखनऊ में भी है, ठीक है, ऐसे साइन बाग कुमार जी, कौन साइन बाग नहीं कर रहा है, कौन मंदिर मस्जिद नहीं कर रहा है, सभी पार्टियां तो कर रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं। चलिए ठीक है, संदीप चौधरी जी के पास में पहुंचे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी, दोनों की ही बातों को सुनने के बाद आप अपना नजरिया किस तरह से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए या फिर तीसरी पार्टी कांग्रेस की भी बात की जाए, जो मैदान में तो उतरी है लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रही है, तीनों पार्टियां हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शाहीन बाग ये तमाम चीजों का जिक्र कर रही है लेकिन आरोप एक दूसरे पर मनती है, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है इसमें, इसको आप जुबानी जंग कह सकते हैं। जुबानी जंग में कोई किसी को आतंकवादी बता रहा है, कोई किसी को गद्दार बता रहा है, ये हमारे देश की राजनीति का एक माहौल है। और अभी जो बीच में टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की है, ये सबको पता चल रहा है। और एक टाइम ऐसा था जब दिल्ली के चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी को सबसे आगे देखा जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है उन्होंने जिस तरीके से रोड शो किए हैं, आम आदमी से कनेक्ट किया है, हर जगह हर गली हर मोहल्ले तक वो पहुंचे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं और दिल्ली का चुनाव पूरे तरीके से बदल चुका है। और आपको बता दूं, जो अभी तक कांग्रेस मैदान में नहीं दिखाई दे रही थी, मेरे ख्याल से आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी दिल्ली में अपनी एंट्री दर्ज कराने जा रहे हैं और वो अपना एक रोड शो करेंगे, और अब आगे के चुनाव में उनकी 4-5 ऐसे प्रोग्राम रहेंगे कि वो अपनी इस जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संदीप जी जो कह रहे थे, हमारे राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमें जो जानकारी दे रहे थे कि मेहनत का फल एक तरह से कहा जा सकता है कि मीठा होता है, अब ऐसे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मेहनत तो यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरह से रंग भी ला रही है। 15,000 जनसभाएं आम आदमी पार्टी 3 दिन के अंदर करती है, वही अगर बात बीजेपी की जाए तो बड़े बड़े नेता लगातार रैलियां संबोधित कर रहे हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है। लेकिन इसी बीच शांत प्रकाश जाटव जी, क्या एक चीज बीजेपी समझ पा रही है कि जो बयानबाजी हो रही है उससे बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रही है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, बीजेपी बैकफुट पर नहीं आ रही है। बीजेपी जो है वो विकास जो पूरे देश में चौमुखी हुए तमाम निर्णय जो है देश के हित में लिए मोदी सरकार ने, उसके आधार पर जो है जीत का दम भी भर रही है और जीत भी रही है। मगर मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूंगा, जो अभी शुरू में क्लिप दिया था आपने, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी मुस्लिम जो मौलवी और मौलाना है उन लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, क्या मंदिर नहीं है? ये बात तो है, मंदिरों को भी इग्नोर किया, मगर ये बताएं बौद्ध विहार दिल्ली के अंदर तमाम है, वहां के जो भक्त हैं, वहां के जो पुजारी हैं, आप उनका भी नहीं सम्मान कर रहे? चलिए ये लोग तो ये मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी शांत प्रकाश जाटव जी, लेकिन जो बैकफुट वाली बात हमने की आपसे, जो मैंने प्रश्न किया, आपने कहा कि नहीं बीजेपी बैकफुट पर नहीं है, जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं, खुद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को लेकर कल संसद में हंगामा हुआ और उसके बयान के बाद, क्योंकि खुद अनुराग ठाकुर के केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद जो तमाम चीजें हुई, चाहे हम जामिया की बात करें चाहे हम शाहीनबाग की बात करें, देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो तमाम नेतागण है वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग जिनसे हम बाइक्स लेने पहुंचे, जिनसे हम बात करने पहुंचे, वो भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बयानबाजी ही है जिसके कारण अब लोग गोलियां चला रहे हैं, इसकी बात मैं कर रही हूं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये बातें जो विरोध विपक्ष जो है जी, उसको विरोध करने का कोई मौका नहीं है, कोई ऐसा ठोस उनके पास में मुद्दा नहीं होता तो वो छोटी छोटी बातों पर वो उसका विरोध शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने क्या कहा था कि देश के गद्दारों को, तो सामने पब्लिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी,
क्या अनुराग ठाकुर जी ने बात कही थी कि उसके बाद की बात जो पब्लिक ने कही, पब्लिक के मन में जो बात है पब्लिक ने वो बात कही है ना, और उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप उसके लिए विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लेकर बात हो रही थी, अगर आपने पूरी वो रैली देखी हो, सब कुछ करते हुए सुना हो, उसके बाद देश के गद्दारों को गोली मारो आदि करके शब्द प्रयोग किया, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, मंदिर के पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। मैं वो सवाल लूंगी आपका सर, शांत प्रकाश जी का राज्य को मैं किसी सवाल लूंगी, लेकिन आप जवाब दीजिए कि आपको ये छोटी बात लगती है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो जिक्र किया, अपना जो बयान दिया, वो आपको छोटी बात लगती है? बीजेपी को क्या वो छोटी बात लगती है? आप मुझे एक बात बताएं, उसमें क्या कहा? देश के गद्दारों को क्या माला डाली जाएगी? लेकिन शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों पर बोल रहे थे ना वो, और शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों पर बोल रहे थे ना वो, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को। चलिए ठीक है, आप मुझे बताओ देश के गद्दारों के गले में माला डाली जाएगी क्या? देश के गद्दारों को तो नहीं, आप बता तो दें प्रिया जी, क्या देश के गद्दारों के गले में माला डाली जाएगी क्या? सर अभी आप वहाँ पर मासूम बच्चों को और मासूम बहनों को बैठा करके हर एक व्यक्ति को जो बच्चों को पीने के बारे में नहीं मालूम, कोशिश महिलाओं को पीने के बारे में नहीं मालूम, इस बात पर मजबूर हो गया हर व्यक्ति, ये में कौन बैठा है, ये बेहद संवेदनशील है। चलिए रजत कुमार जी, इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों आखिर आप सिर्फ मस्जिद के मौलानाओं की सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं आखिर मंदिर के पुजारियों की? ये शांत प्रकाश जाटों की भी, जो बौद्ध विहारों के जो वो है पुजारी हैं, उनके बारे में भी क्यों नहीं भनते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, वो भी पुजारी हैं। ये भाई साहब फैक्ट लेके आइए, फैक्ट पर बात करिए, दिल्ली की जनता चाहती है आप उनके फैक्ट पर बात करें। आप एमसीडी में जो बैठे हैं, आप एमसीडी के कार्य में ना, आप बात आपके साथ प्रिया जी का जवाब तो देते हैं भाई साहब, बीच में मैं आपके लिए बोला ना, प्रिया जी का जवाब तो दे रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है? आप सिर्फ मौलानाओं को तनख्वाह बांटेंगे, आप पंडित जो मंदिरों में पुजारी हैं उनको पैसा नहीं बांटेंगे, जो बंदे बैठे हुए हैं उनको पैसा नहीं बांटेंगे।